हेलो फ्रेंड, आज मेरा पास TVS विक्टर GL बाइक आ चुका है। इसका बहुत ही ज़्यादा गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। ये देख पा रहा है, गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। आगे भी नहीं हो रहा है, एक पीछे भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसका। इसका प्रॉब्लम क्या है, फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले किक को बाहर निकालता है। किक निकल चुका है। इसका देख रहा है क्लच केबल का वायर भी निकालने के लिए 19 नंबर का स्पैनर से लेके इस तरह को उठाने का, उठा के पीछे से एक केबल को हटाने का, इजीली हट जाएगा। उसके बाद क्या करने का, जितना भी 8 नंबर का जो बोल्ट है उसको निकालने का है। लाइव प्रूफ के साथ वीडियो देखने का। जितना भी सारा बोल्ट है बोल्ट निकल के आपको बताता हूँ। देख पा रहा है सभी बोल्ट निकल चुका है। अगर आपको क्लच केबल को बाहर निकालने का, ये जो देख रहे हैं ना क्लच, इसको प्रेस करने का। जब भी प्रेस करेगा सबसे पहले बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद इसको हाथ लगाइए, धीरे धीरे इस तरह के किसने का। देख पा रहा है बहुत ही ज़्यादा इजीली से निकल चुका है। ये देख रहा है पा रहा है, ये क्लास यू इसका। सबसे पहले गियर शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम है वही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्लच हाउसिंग का ये पूरा डिटेल्स आप निकाल के तभी बताता हूँ। ये जो गियर शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम है ना, अंदर का जो गियर डॉग है ना उसका प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये गियर तो आगे भी नहीं हो रहा है, एक पीछे भी नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम अंदर का जो गियर स्टॉपर जो पत्ती है ना उसका प्रॉब्लम हो चुका है होगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी नहीं हो रहा है पीछे भी नहीं, गियर अटक गया होगा। सब ऐसे में निकल के क्लच हाउसिंग का ऐसे में निकल के देखा था। ये देख पा रहा है अंदर का जो वाला था, वही प्रॉब्लम है इसका। ये देख पा रहा होगा अंदर का जो गियर ड्रम का जो स्टॉपर पत्ती हो ना अंदर का, उसी का प्रॉब्लम वो देख पा रहा है। वो निकल चुका है पूरा, बाहर चुका, बाहर आया। देख पा रहा है इसका जो बोल्ट है ना वही लूज हो चुका था। एक भी गियर आगे भी नहीं हो रहा था, एक पीछे भी नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम इसी का ही था, क्योंकि ये जो गियर स्टॉपर का है ना इसका ही, देख पा रहे हैं ना ये अंदर का, ये आगे पीछे हो गया था। ये बोल्ट सिर्फ एक ही बोल्ट है, ये बोल्ट लूज होने का वजह से इसका प्रॉब्लम आ चुका था। देख पा रहा है ना, अगर वीडियो आपका थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिला तो ज़ोर से ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो ज़ोर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।